क्रिएटिविटी क्या था? हाँ, जो चीज की जिससे चीज बनाता है वो क्वालिटी जो हम सब में है, इंसान में है, जिससे वो कुछ नया और वैल्यूएबल बनाता है। ठीक, एक्सप्रेशन कैसे करता है? आर्ट से और डांस से, और बोल के भी करता है ना, सिंपल म्यूजिक बोलना, डांस, थिएटर, हम कुछ कुछ देखा, आर्किटेक्चर, ये सब। तो आर्ट्स क्या, विजुअल आर्ट्स क्या था? वो जो दर्शा रहा है, विजुअल आर्ट्स क्या था? विजुअल माने हाँ, जिसको देखता है। तो क्या हुआ विजुअल आर्ट्स? देखिए, बन सकता है तो कैसे होता है, एक्टिंग कर पा रहा है। विजुअल आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, जो चीज आप बस आँख से, हाँ, जो आर्ट बस आँख के लिए है। जो तुम बोल रहे डांस, उसमें म्यूजिक भी होता है ना, वो परफॉर्मेंस है, कुछ लोग आके परफॉर्म को क्या होगा हिंदी ओडिया वर्ड क्या होगा, प्रदर्शन। तो डांस, म्यूजिक, ये सब में प्रदर्शन करते हैं कोई आर्टिस्ट आके, तो वो अलग हो गए थे। तो अच्छा, एक बात करता है, आर्ट का शुरुआत कैसे हुआ होगा, लोग क्यों इन शुरू किया आर्ट बनाने? जैसे समझ आ रहा है, जैसे आग तो ठीक है, चाहिए था जानवरों को डराने के लिए इसके आविष्कार को, इसलिए कंट्रोल किया, चक्का बनाया ताकि भारी चीजें एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। आर्ट क्यों बनाया? आपको जो भी आवाज है या फिर जो दिखाई देता है या फिर हाँ जिस तरह से जानवर ये सब मूव करता है, उस चीजों को आप आर्ट में कॉपी करता है। जैसे आपको कुछ वीडियो दिखाया था याद है, जिसमें चिड़िया ये सब एनिमल्स का दिखाया था, वो किस तरह से एक दूसरे को वो करता है, इंप्रेस करता है, ये सब। हाँ, याद है डांस, वो लोग एक तरह से डांस करता है ना। तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्ट का शुरुआत ऐसे होता है कि हम नेचर को कॉपी कर रहा था, वैसे जो नेचर का कलर है उसको कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं पेंटिंग में, और साउंड भी, म्यूजिक में भी, जैसे जो आप जानवरों ये सब का साउंड है उसको आप शुरुआत में, जो पुराना बेसिक म्यूजिक पुराना ऐसे ड्रम वाला होता है ना जो ऐसे चलता है, वो इस चीज को हम लोग कॉपी सब करते हैं, इस तरह से माना गया है। तो जैसे सबसे पुराना आर्ट जो हम बोलता है वो केव का हुआ, गाँव में जो पेंटिंग मिल रहा है वो हमको कुछ कुछ 40,000 सालों से वो सब मिल रहा है पुराना पेंटिंग, तो वो कुछ देखता है। ये पेंटिंग कुछ 40,000 साल पुराना इंडोनेशिया के गुफाओं में मिला है, ठीक है, हाथ का प्रिंट। ये कुछ 10,000 साल पहले अर्जेंटीना, तो और पूरे दुनिया में है ये सब, ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, हर कॉन्टिनेंट में ये सब मिला, इंडिया में भी है, इंडिया वाला भी दिखाएगा। ये है लिबिया में, अफ्रीका, लिबिया इज इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लिबिया, हाँ अफ्रीका, वो 7,000 साल पुराना है ये। तो इसमें आप देखिए अभी शुरुआत में क्या है, वही नेचर का देखो दिखा रहे हैं, जानवर है, आदमी है, कुछ कुछ हंटिंग कर रहा है, ये सब दिखा रहे हैं उस समय का जो सीन था। उसके बाद फिर ये कुछ 20,000 साल पुराना फ्रांस में, हाइना जानते हैं, हाइना जो जानवर था, हाइना, हाइना, ये हाइना दिखा है बाद में इंटरनेट ऑन करके, वो जानवर का फोटो, तो ये लोग को बोल रहा है ना नेचर का कॉपी कर रहा है, क्योंकि आर्ट से क्या होता है, जैसे अभी आप किसी जानवर को देख लिया है फिर वो चला गया, अब अगर मेरे को तुमको बताने की मैंने वो देखा तो ड्राइंग बना के दिखा सकता है ना, तो रिकॉर्ड भी रहता है एक तरह से, ठीक। ये इंडिया में मिला है, दिग्वेद का, मध्य प्रदेश, कुछ ये 30,000 साल पुराना है। तो इसमें भी कोई देखो यानी जानवर के ऊपर बैठ के जा रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, म्यूजिक भी बजा रहा है कुछ लोग, है ना,
ये थोड़ा नया, इसलिए अजंता में, अजंता केव्स में ये 800 CE यानी 800 AD में बना है। तो इसमें देखो आप जो पुराना आर्ट पहले बहुत सिंपल है ना, बस लाइन लाइन बना रहे, जैसे वर्ली आर्ट में दिखाते हैं सौरा में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद अब धीरे धीरे इतना कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कलर्स वलर्स ये सब यूज कर रहा है अजंता में। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आर्ट का भी ऐसे विकास हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो धीरे धीरे आर्ट भी जैसे डेवलप हो रहा है, पहले हम बस ऐसे स्टिक बना देता था, है ना, जैसा आप देखा कि पेंटिंग्स में स्टिक फिगर्स बोलते हैं ना उसको, कि एक डंडा ऐसे बना दे, उसका दो हाथ बना दे, आदमी बन गया ऐसे। अब धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि हम लोग कोशिश करने लगे कि जितना अच्छा नेचर वो कॉपी कर सकता है वैसे, जैसे आपको रेनेसांस पेंटिंग्स बनाया था, दिखाया था। तो जितना अच्छे से कॉपी कर सकते हैं नेचर को वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आर्ट में तब आया जब जैसे कि कैमरा जब बन गया इन्वेंशन, तो सोचो क्या होगा, कैमरा अगर बन गया है तो उससे पेंटिंग में क्या अंदर आना चाहिए। अभी आपके पास अभी तक आप अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाता, जितना अच्छे से कॉपी कर सकता है किसी का शक्ल उतना कर रहा है, उसके बाद एक दिन कैमरा बन गया, फोटो ले सकता है, तो फिर क्या डिफरेंस आया उससे? हाँ, तो वही हो गया ना कि आप पेंटिंग का यानी आप क्या यूज रहा है। अगर पेंटिंग का यही काम है कि बस कॉपी करना है किसी को जितना अच्छा से कर सकता है, तो अब अगर कैमरा आपके पास आ गया, कैमरा से अच्छा तो नहीं कॉपी कर सकता है ना, तो वहां से फिर धीरे धीरे पेंटिंग फिर से बदलने लग गया, ठीक है, क्योंकि अब जो मेन जो काम था कॉपी कर देगा वो तो आप कैमरा से अच्छा तो आप नहीं कर सकता है, तो इसलिए फिर पेंटिंग को आर्ट को बदलना पड़ा अपने आपको। तो इसलिए समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मैं साइंस का भी बात करता है, चीजें बदलता है, आर्ट भी बदला है, तो कैसे बदला है उसका हम बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे इतना है कि कॉपी करने की जगह हम लोग आइडियाज पे, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल आर्ट, कॉन्सेप्ट मीनिंग आइडिया है ना किसी, तो आप धीरे धीरे पहले आर्ट का काम था रिप्रेजेंटेशन यानी कॉपी करना है ना, लेकिन अब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी कैमरा वगैरह बन गया तो रिप्रेजेंटेशन की जगह कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने लग गया, तो कॉन्सेप्ट यानी आइडिया। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा, जैसे जो क्राइस्ट वो फोटो दिखाया था क्या ना, जो यूरेन में, हाँ, तो उसका देखो कुछ कॉपी नहीं है, कुछ ऐसा सुंदर भी नहीं है वो कुछ, लेकिन आइडिया है ना, आइडिया क्या, तो वैसे ही कुछ आइडिया का। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना आइडिया पे फोकस कर रहा है कि अब बात हो रही है कि आर्ट है कि नहीं, तो उसका कुछ एग्जांपल देता है। उसी आर्टिस्ट डुशॉन
जो इससे पहले आपने एक पेंटिंग देखा था ना मोनालिसा वाला, उसी का ही उसने हाँ उसी का उसने एक मूछे बना दिया, दाढ़ी बना दिया और उसका अपना मास्टरपीस हो गया। ये भी बहुत इसका वैल्यू में भी है। तो उनका मानना बेसिकली ये भी था, ये जो मूवमेंट था मार्सल डुशाम जैसे फ्रेंच आर्टिस्ट का, ये मानना था कि अभी तक हम इतना आर्ट को बड़ा चीज मान के आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आर्ट कुछ भी हो सकता है, जो मैं बोलता हूँ वो आर्ट है, उनके हिसाब से ये था। अभी और देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उनका ये एक एक पेंटिंग यानी मिलियंस में बिकता है। हाँ आपको ये सुंदर लग रहा है, आप ये पेंटिंग बना सकते हो? नहीं बना सकते। बना सकता है, पेंट लिया ऐसे मार दिया है वो, बस ये किया, वो लिटरली ये किया। जैक्सन पोलॉक नाम का एक आर्टिस्ट था, वो बस पेंट लेता था ऐसे मार देता था और फिर ये पेंटिंग्स मिलियन डॉलर्स में बिकता था। हाँ बहुत सारा पैसे में। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से वही आ जाता है कि अब वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब के बाद अब आर्ट नाम का कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ कुछ भी आर्ट हो सकता है, तो हम इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे। वैसे ये भी एक मास्टरपीस है। भाई इसके लोग यानी मिलियंस रुपए देता है, डॉलर्स देता है इन चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है, देखने के लिए यानी हजारों टिकट खरीदता है हजारों रुपए का। क्या सब जाइए तुम्हारे हिसाब से नहीं, पॉइंट वही बात है, किसी को लगता है आर्ट है तो जो आर्ट मार्केट है, जो आलोचक है वो लोग बोलते नहीं ये आर्ट है। इसमें आर्टिस्ट बोलना चाहता है कि हमारे समाज में बहुत खून खराब हो रहा है तो उसके बारे में बोलना चाहता है, कुछ भी बोल सकता है ना। जैसे आपको स्क्रिप्चर्स का हम बात करता था, राम का कहानी हो गया एक सेंटेंस में अगर लिखा है तो उसको आप सौ तरीके से समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जीसस का कहानी किसी का भी कहानी, और इसी की वजह से हम अभी तक लड़ रहे हैं चीजों पर, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से उसको समझता है। और दिखाते हैं ऐसे एग्जाम्पल, ये मॉडर्न स्कल्पचर है, ये बना सकते हो आप? लेकिन सबसे पहले वो बना के म्यूजियम में डाल दे रहे, इसलिए मास्टर पीस है। ये भी आर्ट है स्कल्पचर। आप पहले का रेनेसांस कल्चर देखा था जो इतना सुंदर आदमी बनाया हुआ था ब्रॉन्ज का ना, एकदम शेप बिल्कुल असली की तरह लग रहा था। अब मॉडर्न आर्ट बोलते हैं इसको, मॉडर्न आर्ट ऐसा होता है। और एग्जांपल, ये भी एक और मास्टरपीस है, ये भाई आर्ट है, ये क्या हो रहा है, देखो उसमें हो क्या रहा है। इंसान का आर्ट का कीमत था कि कितना अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, कितना अच्छा पेंटिंग बना सकता है। अभी अब जब से कैमरा वैमरा आ गया तो अब लोग बोलते नहीं, अब क्या कैमरा तो कर ले रहा है अपना काम, हम लोग आइडिया लगाए कॉन्सेप्ट लगाए, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा के। हाँ ये भी एक है भाई, आर्ट है ये भी आर्ट है, ये भी ऐसा ही सब आर्ट। अगर आपको कलर्स और पेपर देगा बना लेगा ना। भाई आपका नाम यानी जैक्सन पोलॉक या फिर मार्सल डुशाम नहीं है, नहीं तो आप लोग भी बहुत अमीर हो जाता है ये सब बना के। और वो भी बात है ना, यही चीज ये लोग तब बना रहे थे जो वर्ल्ड वॉर ये सब के बाद था। वो लोग फेमस हो जाते थे जो वर्ल्ड था। हां उसके बाद वो दो लाइन बना देगा वो बहुत अच्छे से बिकेगा। हम दो लाइन बना लेगा। हां वही सनातन को कोई नहीं जानता ना, पहले सनातन को फेमस होना पड़ेगा। ये बार बार कलर रंग ये भी बिल्कुल प्लेन वाइट राम बना दे, ये बना देगा तो स्केल में कॉपी कर लेगा कि नहीं वो बात नहीं है, अपने सोच के ऐसा कुछ बना सकता है, उसको देख के तो कॉपी कोई भी कर लेगा। आइडिया का बात है ना, पहले ये लोग बना दे और बोले कि ये आइडिया है, अभी आप कॉपी करेगा तो फिर उसका कीमत नहीं है।
अपने समय का होगा, अपने समय का कुछ बनाना पड़ेगा। और ये सब एक एक पेंटिंग यानी आपको भाई यानी मिलियंस डॉलर देना पड़ेगा तरीके से किसी के लिए। हाँ एकदम और सबसे इंटरेस्टिंग ये इसके नीचे फ्रेंच में लिखा है, ये है क्या, ये जो है क्या जो अभी दिखाया था ये क्या है, और नीचे लिखा है दिस इज नॉट अ पाइप। आप बताओ ये क्या सच है कि झूठ है? ये बोल रहे दिस इज नॉट अ पाइप, इज दिस अ पाइप, इज इट अ पाइप? ये हम याद है लैंग्वेज में बात किया था साइन और सिग्निफाइड कि ये पी ई एन या फिर जो साउंड है पेन वो क्या है साइन है, और जो असली जो जिसके बारे में बोल रहा है वो सिग्निफाइड जो पेन है। तो ये क्या है यहाँ पे जो ड्राइंग बना रहा है, ये साइन है ना, ड्राइंग है, असली पाइप तो नहीं है। तो ये सेंटेंस उसी पे खेल रहा है, पाइप का ड्राइंग बना दे और नीचे लिखा है दिस इज नॉट अ पाइप, समझा? पाइप नहीं है वो, पाइप का ड्राइंग। तो ऐसे ही तो वही टेक्नोलॉजी भी बहुत जैसे हमको दिखाया काफी रोल प्ले करता है आर्ट को आगे बढ़ाने में। जैसे 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, उससे पहले जो किताबें आप जो अभी ऐसे पेपर यूज कर रहे हैं इतना आसानी से, उससे पहले किताबें बहुत कम क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता था, जैसे अभी आप लोग हाथ से लिख रहे हैं। तो सोचो 1000 पेज का जो पुराना पुराना किताब है उसको अगर आपको कॉपी करना है तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें बस जो अमीर लोग होता था बस वही लोग किताब खरीद सकता था। अब लेकिन जैसे प्रिंटिंग प्रेस बने आप किताबें चीप हो गया ना, तो हर जगह दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हाथ था टेक्नोलॉजी का लिटरेचर को बढ़ाने में। फ्रेंच लेसी ने पा यून पाइप लेसी नेस्ट लेसी एस एस टी बना नहीं गया सेट होना जेटा इस और मैं ना लेसी लेस लेस पास और पाइप मैं इट इज नॉट अ पाइप दिस इज नॉट अ पाइप। ओके वैसे ही टेक्नोलॉजी और क्या किया है आप सोचो, म्यूजिक में टेक्नोलॉजी कैसे मदद किया होगा सोचो, म्यूजिक में टेक्नोलॉजी कैसे चेंज किया म्यूजिक को सोचो थोड़ा। अभी आप लोग म्यूजिक कैसे सुनता है? साउंड बॉक्स में सुनता है। किससे? साउंड बॉक्स में सुनता है, स्पीकर से। लेकिन आता कहाँ, बजाता कहाँ से? तो हम लोग अरे वो तो ठीक है, तुम लोग कैसे सुनता है, कहाँ से सुनता है म्यूजिक? ईयरफोन? नहीं नहीं नहीं, यानी जो तुमको अगर नया मान लो एक नया पिक्चर आया है, नया फिल्म आया है, जो सुबू ढीला एक फिल्म आया था तो उसका गाना चाहिए तुमको, तो कहाँ से लेगा, कैसे लेगा? नेट से एक फाइल डाउनलोड करेगा। उससे पहले क्या करता था लोग, कैसेट देखा कभी? कैसेट देखा हाँ, जो ऐसे गोल गोल घुमाता है, उससे पहले कैसेट था, उससे पहले जो रिकॉर्ड विनाइल। तो उससे पहले क्या था, जब म्यूजिक भी वही बात होता है, जब म्यूजिक आपको सुनना है या तो आप टिकट खरीद के जाएगा या फिर फोन, बस अमीर लोग सुन सकता था। जब से फिर ये सब हो गया रिकॉर्ड करने लग गया तो क्या हो गया, आम जनता भी म्यूजिक सुन सकता है, रिकॉर्ड हो गया ना। उससे पहले तो अभी मैं गा रहा है, जैसे मैं बहुत फेमस सिंगर है अभी गा रहा है, तुम लोग सुन लिया उसके बाद घर चले गए फिर से तो नहीं सुन सकता ना, मुझे होना पड़ेगा रिकॉर्ड। जब से रिकॉर्ड करने लग गया तब से अब म्यूजिक हर कोई सुन सकता है, तो वैसे ही है ना। तो म्यूजिक में भी ये मदद हुआ, वैसे ही कैमरा रिकॉर्डिंग ये सब है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत चीजें बदलता है। हाँ उसके बाद खासकर उसके बाद धीरे धीरे आर्ट का जो सब्जेक्ट होता है ना, आर्ट जिन चीजों को बनाता है या तो लैंडस्केप बना रहा है, किसी का फोटो बना रहा है, ये सब भी धीरे धीरे बदलने लग गया कि आर्ट आप किस चीज पे बना रहे हो। जैसे आपको दिखाया कॉन्सेप्चुअल आर्ट,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से मशीनों से काम होने लग गया, वर्ल्ड वॉर ये सब से करने लग गया। जैसे म्यूजिक में आपको एक एग्जांपल देता है, पहले म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा काम करता है ना, जो बड़ा से एकदम वो होता है, जैसे जो करता है सबको बड़ा। HDMI जो ताऊड़े सर है जो उड़े गेम बोले HDMI बीचा सर पुलिस पर वो कौन किसका है अभी तक तो चल रहा था हाँ इधर से देख क्या हो गया ओके ओके ऐसे ऐसे ऑडियंस ग्रेन सर वीडियो 6B ब्लैक
और लास्टली अब टेक्नोलॉजी से जो आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताता है जो आर्ट बिल्कुल एक तरह से बदल रहा है, 3D प्रिंटिंग। 3D क्या होता है, बात किया था अभी, 2D और 3D में क्या अंतर है? टू डायमेंशन क्या हुआ, 2D हुआ क्या, अभी बात किया था 2D लंबाई, ये चीज और ये चीज, ये वाला जो डेप्थ है वो नहीं है उसमें। जैसे कि ये देखो ना, ये है 2D है, ये इसका ये विड्थ नहीं है ना, तो ये 2D है, ये है और ये है, ये वाला चीज नहीं है। अब वही चीज आप इसमें देखो, इसमें लेंथ भी है, हाँ लेंथ है, ब्रेथ है, और ये भी है, लेकिन थिकनेस भी है। इसको 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 3D प्रिंटिंग यानी अभी जो आप प्रिंटिंग करता है वो क्या करता है, 2D में ना इस तरह का प्रिंट होता है ना, ये देखो ये जो प्रिंट है बस सिंपल फ्लैट उस पे हो रहा है। 3D प्रिंटिंग जो स्कल्पचर कर, जैसे पूरा आप ऐसा चीज प्रिंट कर सकता है, तो वो दिखाता है।3D printing technology is already changing the way we produce objects, from tools and toys to clothing and even body parts. 3D printing is a body parts which we have already printed, where an object is created by adding material layer by layer. तो मटेरियल आप डाल देते हैं, प्लास्टिक है जो भी, या लोहा मेटल, उसको गर्म कर देते हैं, डिजाइन ऐसे बनाए पहले, फिर or shapeways to find objects other users. So एक जो printer होता है वो पहले जो उसके अंदर, जैसे इसमें आप ink डालते हैं ना, उसमें वो गरम plastic या फिर लोहा डालेगा और धीरे-धीरे निकालेगा. Plastic spools in the back of the device, almost like a strip. When the printer is plastic डाल रहा है, ink की जगह plastic melts it, deposits it to the plate where it instantly cools. ये print. पहले आप कंप्यूटर में डिजाइन डाल दिया है, इस तरह की चीज बनानी है, और ऐसे बना दे, धीरे धीरे नीचे से शुरू करेगा, एक एक लेयर बनाते रहेगा। The most common material used in 3D printing is plastic. The use of some other materials allow for the creation of some pretty amazing products beyond simple tools and toys. 3D printed food is becoming very popular. Now, the manufacturing has allowed for the creation of plastic. In the medical world, doctors are testing biomaterials for regenerative medicine. By using artificial cells, doctors can 3D print small body parts like ears and noses. वही, जैसे टेक्नोलॉजी अब ये 3D प्रिंटिंग क्या है, जो स्कल्पचर का हम बात किया था, मूर्ति बनाना, अब मूर्ति बनाना कितना आसान हो गया, प्रिंट कर देगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी आर्ट को बदलते रहता है। लास्ट एक दो बात कर देगा ना, तो देखिए यानी कहां आर्ट का शुरुआत होता रिलीजन से, है ना, और धीरे धीरे अब हम कहां पहुंच रहे हैं, अब आगे क्या होगा अब देखता है, अब हम अभी नहीं बता सकते हैं। पहले जो ये है कि आप पोएट्स जो लोग कवि लोग होता था उनको प्रॉफिट मानता था कि यानी वो भगवान का वाणी बोल रहा है, अभी वो लोग क्या है यानी क्या बोलेगा, हीरो वीरो की तरह ये आर्टिस्ट वार्टिस्ट बनता है। ठीक, और तो ये आर्ट भी अपने समय और जगह और कल्चर से उसको इफेक्ट होता है और आर्ट वापिस उसको इफेक्ट करता है। ठीक समझा, आर्ट अफेक्ट्स कल्चर,
जो जिस दुनिया में, जैसे अगर उड़ीसा के 2017 में मैं कुछ एक पेंटिंग बना रहा है, तो उड़ीसा में जो 2017 में वो सब देखता हूँ वो चीज मैं पेंटिंग में डालूंगा। और हो सकता है अगर मेरा पेंटिंग बहुत फेमस हो जाए तो वो पेंटिंग वापस फिर लोग कोई देख रहा है तो उससे उसको उड़ीसा के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, अगर कुछ तो आर्ट और लाइफ दोनों एक दूसरे को प्रभाव, तो आर्ट जैसे लाइफ को प्रभावित करता है, लाइफ नहीं, लाइफ आर्ट को प्रभावित करता है, वैसे ही आर्ट भी वापस लाइफ को प्रभावित करता है। ठीक है, और क्या है, तो वही लास्ट पॉइंट, ठीक है, सुंदर चीजें बनाना है, आर्ट को अपना क्रिएटिविटी दिखाना है, उसके अलावा बहुत कुछ है, पॉलिटिक्स में यूज होता है आर्ट, यानी किसी, अगर आप जैसे बीजेपी गवर्नमेंट अभी पावर में, उसको क्रिटिसाइज, उसका निंदा आलोचना करना है तो आप कुछ उनके बारे में कुछ लिख सकता है, पेंटिंग बना सकता है, ये सब होता है। कुछ समाज के बारे में कुछ आपको जैसे गलत हो रहा है कुछ, तो उसके बारे में आप लिख सकता है, जैसे क्या है, जो पहले बार बार हम सभी का एग्जाम्पल लेते रहता है, तो हो सकता है उस समय में लोग उसके बारे में लिख रहे थे, तो इसलिए लोगों को समझ में आए कि हाँ ये गलत है। तो आर्ट का बहुत काम है, बस सुंदर चीजों को बनाने के लिए नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्रेशन है, अंदर का जो आइडियाज और फीलिंग्स है उसको हम बाहर दर्शा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आर्ट या फिल्म भी आर्ट है, एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट समझ रहे ना, मजा, आर्ट का ये भी एक काम है कि और उसे तो मजा आ रहा है फिल्म देख के, और लास्ट आर्ट का ये भी कि बेच सकता है, ठीक है, तो बस सुंदर चीजें बनाने का मतलब ये आर्ट नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है, चलो।